फ्रेंड्स, इन दिस सेशन हम लोग देखने वाले हैं लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करना है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर माय ग्रामर कंटेन्स अ लेफ्ट रिकर्शन। सो दिस इज अ फॉर्मूला, ए गिव्स ए अल्फा स्लैश बीटा। नाउ फॉर दिस प्रोडक्शन, अगर ये फर्स्ट वाला नॉन टर्मिनल ये एंड ये दिस फर्स्ट वाला नॉन टर्मिनल अगर सेम है, इट मींस आर ग्रामर कंटेन्स अ लेफ्ट रिकर्शन। तो इसके साथ जो अटैच होता है वो होता है अल्फा एंड सेकंड प्रोडक्शन जो होता है वो होता है बीटा। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ए यूज बीटा एंड ए डैश, ये वाले का डैश आपको लिखना है। देन ए डैश यूज जो अल्फा है अल्फा ए डैश स्लैश एप्सिलॉन। विल कंसिडर वन एग्जाम्पल, लिसन, यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल है। तो देखो यहां पे ये वाला this and ये वाला e ये सेम है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट रिकर्शन। ये वाला t सेम है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट रिकर्शन। सो हाउ टू सॉल्व दिस, वी कंसीडर दिस एग्जांपल, दिस वन फर्स्ट। सो वी विल राइट हियर, कंसीडर e gives e plus t slash t। सो अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूले, दिस इज माय a, दिस इज माय a, दिस इज एंटायर अल्फा, दिस इज बीटा। सो हाउ टू सॉल्व, as per formula first we write a, so that is e gives beta a dash, what is my beta here, t, so t e dash this one and e dash gives alpha a dash, what is my alpha here, plus t, so plus t e dash slash epsilon, ye humne remove kar diya left recursion yahan pe। if we consider the second one hum dekhenge yahan pe t gives t star f slash f, तो ये हो गया हमारा a, this one is my a, this is alpha, this is a beta, so how to remove it, t gives beta a dash, my beta is this f, so f t dash beta a dash, ये वाले का dash आपको लिखना है, and t dash gives alpha, what is my alpha here, star f, so star f t dash slash epsilon। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लेफ्ट रिकर्शन नहीं है। सो माय फाइनल ग्रामर इज दिस वन, e gives t e dash gives plus t e dash slash epsilon, दिस वन t gives f t dash gives star f t dash slash epsilon, एंड ये आपका आएगा as it is, f gives opening e closing slash i, ये हो गया हमारा ग्रामर without using without left recursion। We'll consider some another example also, as you see here there are two alphas, there is two a, this one is my a, this one is a, ये हो गया आपका alpha 1, ये हो गया a, ये हो गया alpha 2, there is one beta, so how to solve this, a gives beta a dash, that is t a dash, हम पहले beta का dash लेंगे, ये beta a dash, and a dash gives जितने भी alpha है वो लिख लो, that is a slash b, और उनको ये dash attach कर दो, a dash, b a dash slash epsilon, ये हो गया हमारा ring। हर time starting में ही same आएगा ऐसा necessary नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, in this example, this b, ये production से अलग है, तो this b हो गया a, this is my a, this is my alpha 1, this is a, this is alpha 2, there are two betas, beta 1 and beta 2, so how to solve this, b gives, that is a gives, सबसे पहले हम लोग सारे betas लिख लेंगे, d, ये वाले का dash आपको लेना है, e b dash gives, जितने भी alpha है लिख लो, a b, और उसको ये dash attach कर दो, a b dash slash epsilon। Just like that, this is the last example. As you see here, this is my A, this is my A, this is alpha 1, this is my A, this is alpha 2, ये हो गया आपका beta 1, ये हो गया आपका beta 2. तो इसको कैसे solve करेंगे? A gives beta A dash, 0 A 0 A dash, ये वाले का आपको dash लेना है, slash 1 A dash gives alpha, that is 1 A dash, slash alpha 2, a dash slash epsilon. So this is how we remove the left recursion from the grammar. Okay. अभी हम लोगों ने देखा था left recursion. Now हम लोग देखने वाले अभी left factoring कैसे remove.
सो लेफ्ट फैक्टरिंग कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, लाइक दिस। लेफ्ट फैक्टरिंग में अगर फर्स्ट वाले प्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड प्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट अगर दोनों सेम है तो इट मींस ये लेफ्ट फैक्टर्ड होगा। तो ये जो सेम वाला पार्ट इसको अल्फा बोला जाता है, इसके साथ पहले वाले के साथ जो है वो बीटा एंड नेक्स्ट वाले के साथ जो है वो क्या। इसको सॉल्व कैसे करना है, ए गिव्स ये अल्फा लिख के इधर का डैश लिखो एंड ए डैश गिव्स बीटा क्या। लेट्स हैव वन एग्जांपल, यहां पे देखो एस गिव्स ए ए बी, दिस ए ए बी एंड दिस ए बी इज सेम, सो ये हो गया अल्फा, अल्फा ये हो गया माय बीटा, ये हो गया माय क्या। सो मैं इसको फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, पहले अल्फा ए डैश, सो ए ए बी एस डैश, एस डैश गिव्स अल्फा लिख दिया हमने, इधर का डैश लिख दिया, फिर एस डैश गिव्स जो बीटा है वो लिखो, जो क्या है वो लिखो, ये हो गया हमारा रिंग लेफ्ट फैक्टर। लेट्स हैव दिस एग्जांपल, यहां पे देखो यहां पे दिस पार्ट इज सेम बट यहां पे ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, यहां पे गामा नहीं है। सो गामा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ए गिव्स ए ए स्लैश ए, so this is my a, this is my alpha, beta, alpha, there is no gamma, so that a gives alpha a dash, a dash gives beta gamma, that is beta gamma नहीं तो उसकी जगह पर आपको लिखना है epsilon। again for this, this is my alpha, this is my beta, this is my alpha, this is my gamma, but ये किसी से related नहीं है, ना alpha ना beta, so in this case यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b gives alpha a dash, that is b b dash, B' gives beta gamma, beta is B, gamma is D, and ये किसी से अगर relate नहीं तो original में ही आपको लिखना। This is my last sum, यहाँ पे अगर आप देखोगे देखो IETS, IETS, ये हो गया पूरा alpha, alpha, यहाँ पे beta नहीं है, ये हो गया gamma, इसको कैसे solve करेंगे, S gives alpha S dash, IETS S dash, S dash gives beta gamma, beta नहीं तो पहले gamma लिख लो, ES और इसकी जगह पे epsilon, और ये किसी से relate नहीं करता यहाँ पे, this one is as it is, this is how we can remove the left factoring, in the next session हम लोग देखेंगे कि first and follow कैसे निकालना है, thank you।